से आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल भेज दिया था, आप लोगों की बहुत याद आती थी, बहुत मिस करता था मैं आप लोगों को। आप में से किस किस को मेरी याद आती थी? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? देखो बजरंगबली का कमाल हो गया, आपको मैं आपको मिस करता था, आप मेरे को मिस करते थे, ऊपर वाले ने सुन ली, मेरे को आपके बीच में भेज दिया। मेरे को पता चला दिल्ली की और देश की करोड़ों करोड़ों महिलाओं ने मेरी रिहाई के लिए खूब पूजा पाठ किया, करा था कि नहीं करा था? यहाँ इतनी मांग है, कईयों ने माओं ने माताओं ने खूब पूजा पाठ करा, और ये आपके पूजा पाठ का कमाल है कि आज मैं आपके बीच में आ गया प्रचार करने के लिए। एक दिन अचानक मैं अपने जेल के सेल में बैठा हुआ था, वहां पे हर सेल में ना टीवी होता है, मैं टीवी देख रहा था और देखा कि पता चला सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ, कमाल ही हो गया, चमत्कार हो गया। तो मैं तो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बजरंगबली के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। 21 दिन की मोहलत दी है कि 21 दिन चुनाव प्रचार कराओ। मैं भी परसों कहीं चुनाव प्रचार करने गया, एक माझी मिली, बोली बेटा ये बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए भगवान ने तेरे को 21 दिन के लिए भेजा है। मेरा कसूर है, मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, अच्छे स्कूल बनवा दिए, ये मेरा कसूर है। वो नहीं करते ये काम, वो स्कूल नहीं बनवाते, मैंने स्कूल बनवा दिए, खुद नहीं स्कूल बनाते। केजरीवाल को गिरफ्तार करो, केजरीवाल के स्कूल बंद करो। ये कह रहे हैं 2 तारीख को, अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को मेरे को दोबारा जेल जाना है। मेरे को जेल जाना है कि नहीं जाना ये अब आपके हाथ में है। जब आप बटन दबाने जाओगे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू का बटन दबाओगे तो मैं आपके बीच में रहूंगा, आजाद रहूंगा, मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा।